भारत की चीन को दो टूक, अब सीमा पर हरकत माफ नहीं। सीमा पर फाइटर जेट्स उड़ाए तो नहीं होगी खैर। अब बातों से नहीं, लातों से लेंगे काम। पल भर में कर देंगे पूरा किस्सा तमाम। दोस्तों, ताइवान से उलझकर अपनी भद पिटवाने के बाद चीन को अपनी औकात समझ में आ गई है। उसे ये समझ में आ गया है कि वो जितना बखरता था उतनी उसकी हैसियत नहीं है। अपनी जिस सेना के दम पर वो दंभ भरता था, दुनिया ने आज उसकी ताकत देख ली है। दुनिया भी जान गई है कि चीन केवल दिखने वाला ढोल है, असल में इस ढोल के अंदर पूरा पोल है। लिहाजा अब चीन की फटी पड़ी है। उसे लग रहा है कि अब उसके दुश्मन उसकी मिलकर बैंड बजाएंगे, उसकी पूरी अकड़ निकालेंगे। खासकर भारत के बारे में तो सोच समझकर उसकी नींद उड़ गई है। वो समझ गया है कि अब सीमा पर भारत उसकी खाट खड़ी कर देगा, उसकी बखिया उधेड़ देगा, उसे मटिया मेट कर देगा, पूरी तरह नेस्त नाबूद कर देगा, उसके दिमाग में चढ़ा फाइटर जेट्स का भूत उतार देगा। यही सोचकर उसकी हवा टाइट हो गई है। दोस्तों, भारत ने भी चीन को दो टूक कह दिया है कि अब अगर सीमा पर लुका छिपी का खेल खेलने की कोशिश की तो कोई नाम लेवा भी नहीं बचेगा। मां भारती के सपूत तुम्हारी धुरियां बिगाड़ देंगे, तुम्हें छठी का दूध याद दिला देंगे। लिहाजा अपनी खैर चाहते हो तो संभल जाओ और अपनी मांद में रहने की आदत डाल लो, नहीं तो फिर ये मत कहना हमने चेताया नहीं था। दोस्तों, चीन भी जानता है कि भारत से टकराना उसके बूते की बात नहीं है, क्योंकि भारत एक महाशक्ति है जो आधुनिक हथियारों से लैस है। यही नहीं, भारत ने उसकी नाक में नकेल डालने के लिए कई देशों को अपने साथ भी मिला लिया है, क्वाड जैसे संगठन को फिर से खड़ा कर दिया है। लिहाजा चीन अब चारों तरफ से घिर गया है। एक तरफ भारत उसकी ढोल बजाने की तैयारी कर रहा है तो दूसरी ओर उसके दुश्मन भारतीय हथियारों के साथ चीन को सबक सिखाने के लिए तैयार बैठे हैं। इससे चीन की चुंडी गर्म हो गई है, मतलब कुल मिलाकर अब चीन की फटने वाली है, उसका तेल निकलने वाला है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो सुनकर आपका दिल बाग बाग हो जाएगा, सीना चौड़ा हो जाएगा, क्योंकि अब चीन के दिन लगने वाले हैं, उसकी अकड़ निकलने वाली है। वो कैसे, वीडियो में आपको बताऊंगा, लेकिन ये सब जानने के लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा और ये वीडियो पूरा देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ताइवान से चीन के तनाव के बीच भारत की धमकी, सीमा पर अब फाइटर जेट्स उड़ाए तो कर देंगे ढेर। दोस्तों, भारत ने पूर्वी लद्दाख में सीमा के पास लड़ाकू विमान उड़ाने को लेकर चीन को सख्त चेतावनी दी है। भारत ने बता दिया है कि अब यह हरकत बर्दाश्त नहीं होगी और अब वो शांत बैठने के बजाय एक्शन लेगा, लिहाजा अब उसे सतर्क रहने की जरूरत है। दोस्तों, भारत और चीन के बीच बीते मंगलवार को पूर्वी लद्दाख स्थित चुशूल मोल्डो में सैन्य स्तरीय विशेष वार्ता हुई। इसमें भारत ने बीते 45 दिनों में चीन की वायुसेना द्वारा किए गए हवाई सीमा के उल्लंघन पर सख्त एतराज जताया। भारतीय वायुसेना ने चीन के लड़ाकू विमानों को इलाके से खदेड़ दिया था। दोस्तों, आपको बता दूं कि भारत और चीन के बीच विश्वास कायम रखने के उपायों के तौर पर वास्तविक नियंत्रण रेखा के 10 किलोमीटर के अंदर ही लड़ाकू विमान उड़ाने पर सहमति है, लेकिन चीनी विमानों ने बीते 1.5 महीने में इसका उल्लंघन किया है। भारत ने इसे भड़काने वाली हरकत बताते हुए चीनी सैन्य अधिकारियों के समक्ष सख्त आपत्ति प्रकट की है। सरकारी सूत्रों ने विशेष सैन्य वार्ता के बारे में शुक्रवार को मीडिया को जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि भारतीय पक्ष ने चीन से कहा कि वायु क्षेत्र के उल्लंघन जैसी उकसाने वाली गतिविधियों से परहेज करे। विशेष सैन्य वार्ता में दोनों देशों के वायुसेना अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया, उनके अलावा सैन्य अधिकारी भी मौजूद थे। भारतीय पक्ष की ओर से एयर कमोडोर अमित शर्मा भी मौजूद थे, वहीं चीनी पक्ष की ओर से उनके समकक्ष अधिकारी थे। सूत्रों ने बताया कि भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व फायर एंड फ्यूरी कोर के तहत लेफ्टिनेंट जनरल ए सेन गुप्ता के नेतृत्व में मेजर जनरल रैंक के एक अधिकारी ने किया।
चर्चा के दौरान चीनी पक्ष ने तिब्बत में अपनी वायुसेना के विमानों का पता लगाने की भारतीय वायुसेना की क्षमता पर एतराज जताया। चीन इसकी लगातार शिकायत कर रहा है। दोस्तों, भारत और चीन की वायुसेना के बीच टकराव जून में शुरू हुआ था। 25 जून को चीनी वायुसेना का एक J-11 लड़ाकू विमान पूर्वी लद्दाख में तनाव वाले क्षेत्र के बहुत करीब से सुबह 4 बजे उड़ा था। इसे वायुसेना के जवानों और रडार ने तुरंत पकड़कर सतर्क किया था। चीनी वायुसेना द्वारा हवाई क्षेत्र के उल्लंघन की गतिविधियां 1 महीने से ज्यादा समय तक जारी रही थी। इसी दौरान भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 और MiG-29 समेत अन्य लड़ाकू विमानों को मौके पर भेजकर जोरदार जवाब दिया गया था। दोस्तों, चीन ने भारतीय वायुसेना की इतनी तीखी प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं की थी। दरअसल वायुसेना चीनी सेना के किसी भी दुस्साहस का जवाब देने को तैयार थी। भारतीय वायुसेना ये सावधानी भी बरत रही है कि जमीन पर मामला ना बढ़े और साथ ही चीन की हवाई गतिविधियों पर भी नजर रखी जाए। दोस्तों, कुछ हफ्ते पहले वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी ने कहा था, भारत LAC के पार की हवाई गतिविधियों पर लगातार नजर रखे हुए है। जैसे ही हम LAC पर कोई चीनी गतिविधि देखते हैं, अपने लड़ाकू विमान तैनात कर देते हैं। भारतीय सेना पूर्वी लद्दाख में LAC पर रडार लगा रही है ताकि हम हवाई क्षेत्र में होने वाली किसी भी गतिविधि पर नजर रख सकें। इसके साथ ही जब हम चीनी विमान या रिमोट संचालित पायलट एयरक्राफ्ट सिस्टम को LAC के बहुत करीब आता देखते हैं तो उचित कदम उठाते हैं। हमने खदेड़ने या हमारे सिस्टम को हाई अलर्ट पर रखने के उपाय किए हैं। इनसे चीनी विमानों का हवाई उल्लंघन काफी हद तक रुक गया है। दोस्तों, भारत और चीन के बीच विशेष सैन्य वार्ता ऐसे समय हुई है जब ड्रैगन का ताइवान समेत कई मामलों को लेकर अमेरिका समेत कई देशों से तनाव चल रहा है। चीन के युद्धाभ्यास से ताइवान को नहीं फर्क, भारत भी जान गया है चीन की असल ताकत। अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताजा ताइवान यात्रा से चीन बुरी तरह से भड़का हुआ है। उसने ताइवान पर मिसाइलें दागी हैं। इनमें से कुछ जापान के विशेष आर्थिक क्षेत्र में भी गिरी हैं, जिसे लेकर जापान ने भी सख्त एतराज जताया है। दोस्तों, अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान विजिट से नाराज चीन 3 अगस्त से मिलिट्री ड्रिल कर रहा है। चीनी आर्मी के जेट्स लगातार ताइवानी एयर स्पेस में घुसपैठ कर रहे हैं। ताइवान के इर्द गिर्द 6 इलाकों में ये सैन्य अभ्यास चल रहा है। पहले दिन चीन के 100 से ज्यादा फाइटर जेट्स ने ताइवान के उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी और दक्षिण पूर्वी एयरबेस में उड़ान भरी थी। वहीं दूसरे दिन 68 फाइटर जेट्स और 13 वॉरशिप्स ने ताइवान स्ट्रेट को पार किया। ताइवान डिफेंस मिनिस्ट्री ने एहतियात के तौर पर मिसाइल सिस्टम तैनात कर दिया है। वो चीन की हरकत पर लगातार नजर बनाए हुए है। मॉनिटरिंग के लिए कुछ एयरक्राफ्ट और शिप को रवाना भी किया गया है। चीन ये मिलिट्री ड्रिल ताइवानी तट से सिर्फ 16 किलोमीटर दूरी पर कर रहा है। इसमें असली हथियारों और गोला बारूद का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस मिलिट्री एक्सरसाइज को लाइव फायरिंग का नाम दिया गया है। ये एक्सरसाइज 7 अगस्त तक चलेगी। चीन पहले ये ड्रिल ताइवान से करीब 100 किलोमीटर दूर करता था, लेकिन नैन्सी के दौरे के बाद अब बेहद नजदीक पहुंच गया है। दोस्तों, इधर चीन ने नैन्सी पेलोसी पर भी प्रतिबंध लगाए हैं। हालांकि चीन ने किस तरह के प्रतिबंध लगाए हैं ये स्पष्ट नहीं है। पेलोसी की ताइवान यात्रा के जवाब में चीन ने 8 कार्रवाइयों का ऐलान किया है। दोस्तों, इधर चीन के युद्धाभ्यासों से पूर्वी एशिया में ट्रेड और कमर्शियल ट्रैवल को खतरा पैदा हो गया है। ताइवान के आसपास का समुद्री इलाका दुनिया के सबसे बिजी सी रूट्स में शामिल है। इससे पहले से ही दबाव झेल रही ग्लोबल सप्लाई चेन पर प्रेशर और बढ़ गया है। ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का हब है और अगर वहां तनाव बढ़ता है तो इससे कंप्यूटर चिप्स की शॉर्टेज और बढ़ सकती है, क्योंकि स्मार्टफोन समेत मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स में कंप्यूटर चिप्स का व्यापक इस्तेमाल होता है। पहले ही दुनिया इसकी कमी से जूझ रही है। दोस्तों, दुनिया भर के 90% आधुनिक सेमीकंडक्टर ताइवान ही बनाता है। पिछले साल ताइवान ने $118 अरब सिर्फ सेमीकंडक्टर निर्यात किया है। इन चिप्स का इस्तेमाल स्मार्टफोन, कार, लैपटॉप और दूसरी इलेक्ट्रॉनिक चीजों में होता है। इसके बिना इन चीजों का उत्पादन संभव नहीं है। यही वजह है कि अमेरिका ताइवान की स्थिति को लेकर चिंता में है। दोस्तों, इस दौरान चीन को नॉर्थ कोरिया का साथ मिला है। उत्तर कोरिया ने US हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी पर उत्तर कोरिया के खिलाफ भावनाओं को भड़काने और चीन को नाराज करने का आरोप लगाया है। नॉर्थ कोरिया की तरफ से कहा गया है कि नैन्सी पेलोसी अंतर्राष्ट्रीय शांति और स्थिरता को नष्ट करने वाली नेता हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि US हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने ताइवान की यात्रा के बाद साउथ कोरिया का भी दौरा किया। दोस्तों, ताइवान पर चीन की कार्रवाई ने
उसकी काफी हद तक पोल खोलकर रख दी है, क्योंकि वो चाहकर भी ताइवान के खिलाफ जंग का ऐलान नहीं कर पा रहा है और उसके युद्धाभ्यास से ताइवान को कोई टेंशन भी नजर नहीं आ रही है। हाँ, ये बात अलग है कि ताइवान ने अपने डिफेंस सिक्योरिटी सिस्टम को एक्टिव कर दिया है, जिससे चीन की भी हवा टाइट हो गई है। दोस्तों, चीन के ताइवान की सीमा पर युद्धाभ्यास से भारत को भी उसकी असल ताकत का अंदाजा हो गया है। वो जान गया है कि चीन को पीटने के लिए उसे ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी और वो जब चाहे चीन की व्यवस्था बिगाड़ सकता है।